हम लोग ब्लॉक के डेवलपमेंट की बात के लिए आए हैं कि मेरे लिए केशवन ए केशवन बी के मुद्दे आज मेन है और सबसे बड़ा मुद्दा एसटी कम्युनिटी के बच्चों को स्कूल वापस जोड़ने का है। अभी मैं एक दो और लोगों को बुलाऊंगा और उसके बाद अपना एक्शन प्लान आप लोगों को बताऊंगा और मेरे को उम्मीद है कि मेरे जितने भी गुज्जर बकरवाल भाई हैं उसमें हमारा ये साथ देंगे क्योंकि आपके साथ के बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने साथ दिया तो मैं आपको आज विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग इसको करके दिखाएंगे। वो बच्चा 10 साल तक का है, वो अपनी पढ़ाई अपनी तालीम पूरी करेगा। का 2500 रुपए मिलता है क्लास 1 से क्लास 5 का। अगर क्लास 5 से क्लास 8 का है तो उसको 4000 रुपए मिलता है। अगर वो क्लास 9 और क्लास 10 में अपने बच्चे को पढ़ाता है तो उसको 7000 रुपए मिलता है। अगर वो अपने बच्चे को 11 और 12 में पढ़ाता है तो उसको 10000 रुपए मिलता है। अगर वो अपने बच्चे को कॉलेज में भेजता है, ग्रेजुएशन कराता है तो उसको 50000 तक पैसा सरकार दे सकती है। तो अगर हम अपने आप को इतनी बड़ी चीज से महरूम रख रहे हैं और चाहे वो लड़का हो या लड़की हो उसको तालीम नहीं दे रहे हैं तो ये उसकी जिंदगी के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। और आप लोगों को समझना पड़ेगा, अभी इतने सारे मुझे एसटी कम्युनिटी के 2-3 लोग मिले, मेरे को इन्होंने बोला सर हमारी बात नहीं सुनने दी जाएगी क्या? बेशक सुनने दी जाएगी, लेकिन आपको एक बात बता दूं, आपकी आने वाली जनरेशन आपकी तरफ देख रही है। अगर आपने उनको पढ़ाई से महरूम रखा तो वो भी इसी तरह अपनी बात सुनाने के लिए बोलते रहेंगे। जो पढ़ा लिखा आदमी होता है उसके काम अपने आप हो जाते हैं। अभी हो सकता है कुछ बच्चे बाहर होंगे, ऐसी बात नहीं है, उनके लिए आप लोगों को बता दिया क्या करना है। हम लोग ब्रिज कोर्स इमीडिएटली चालू कर रहे हैं, बच्चों के लिए जो स्कूल अभी तैयार हो रहे हैं उनको उसी गांव में पढ़ाया जाएगा, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं होगी। मोबाइल टीचर आपके साथ ढोक में जाने के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं।